देखो माँ, मैं जा रहा हूँ यास वाटर पे, तो ये बस का स्टॉप है, यहाँ पे 102 उतारती है, यहाँ से पैदल आप जाते हैं। ये सामने सारे होटल बने हुए हैं, ये क्राउन प्लाजा, रेडिसन सेंटर, तो इधर से बाई वॉक हम जाएंगे यास वाटर फ्रंट, तो वहाँ तक मैं आपको दिखाता हूँ सीन सारा, कैसे आप पैदल जा सकते हैं। इधर से आपने नीचे उतर जाना है और ये सामने वाइट बिल्डिंग नज़र आ रही है यास बे की, आगे जाके दिखाता हूँ आपको। ये बस स्टॉप है सामने, 102 आती है इधर और 216। ये सारे VIP होटल हैं ऊपर, और यहाँ से नीचे उतरना है आपने, और ये सामने वो यास बे की बिल्डिंग नज़र आ रही है, उसकी दूसरी तरफ वाटर फ्रंट है, मैं आपको लेके चलता हूँ साथ। सारे VIP होटलों की लाइन है, और इस साइड पर भी, इस साइड पर भी, वो दूसरी तरफ है यास होटल महंगे वाला, वो दूर सामने होटल हैं, वहाँ से मैं चल के आया हूँ, तकरीबन 5 मिनट लगे हैं और ये इधर मैं पहुँच गया हूँ। ये सामने एंट्री है वाटर फ्रंट की, अभी हम उस साइड पे जाएंगे रोड की, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे। ये है जी यास बे वाटर फ्रंट की एंट्री, यहाँ से आप एंटर होते हैं और आगे आपको वाटर फ्रंट नज़र आएगा, नीचे जाके दिखाता हूँ आपको। इधर भी होटल्स हैं बहुत सारे, हम अभी लिफ्ट से नीचे जाएँगे तो बस आप वाटर फ्रंट के सामने पहुँच जाएंगे। और ये जनाब हम बाहर पहुंच गए हैं, तो यहाँ से यास बे वाटर फ्रंट का सारा माहौल शुरू हो जाता है। ये सारी वॉक है उधर तक, और यहाँ पे ये सारे इस साइड पे होटल्स बने हुए हैं। ये है जी यास बे वाटर फ्रंट, रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं अलग अलग किस्म के, और ये सामने सारा वाटर फ्रंट है। लेस क्राउडेड, और अभी इतनी ज़्यादा यहाँ पे हलकत नहीं मिलती आपको, इसलिए बहुत अच्छा है कि अगर आप यहाँ पे आके टाइम स्पेंड करें, बहुत प्यारा एरिया है ये, मौसम भी इस टाइम सही अच्छा होता है। प्राइवेट जो आप रेंट पे ले सकते हैं, रेट अब इनका मुझे नहीं पता। और ये साइड पे रेस्टोरेंट वगैरह बने हुए हैं सारे खाने पीने के लिए, लग्जरी टाइप एरिया है ये। हाँ बहुत सही है ना कि इतना इधर बार सारा वही माहौल है, VIP रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, और पीछे ये होटल है हिल्टन। ये इधर लाइटिंग बहुत अच्छी, तो अभी ये जगह इतनी ज़्यादा वायरल नहीं है, तो बहुत कम लोग इधर आते हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है, और इस टाइम मौसम भी प्यारा हो जाता है, तो भाई जहर खा लो। नहीं देखा? नहीं देखा? ये पीछे हिल्टन होटल बहुत बड़ा बना हुआ है, ये बीच क्लब है, किधर है चाचू एंड बे बूथ इन्होंने खड़े किए हुए हैं सामने, और ये सामने इतिहाद अरीना है जहाँ पे बहुत सारे कंसर्ट होते हैं। एक कंसर्ट मैंने भी अटेंड किया था अरिजीत सिंह का, और बहुत ही मज़ेदार माहौल है इसके अंदर। ये सामने वो ये सारा वाटर फ्रंट है सामने, और दूसरी तरफ भी ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं और कुछ होटल्स वगैरह हैं। ये है इतिहाद अरीना, ये है यास बे वाटर फ्रंट, और ये सामने भी फायर वर्क स्टार्ट होने वाला है इधर। जितने बनाए फोटो बनाया मैंने।
बहुत ठंडे से हैं, लगता है बजट कम था पता। नहीं नहीं है। तो ये फायरवर्क था जो आपने अभी देखा, यास बे वाटर फ्रंट अबू धाबी। तो ये तीनों दिन चलेगा ईद के। ये सामने इतिहाद अरीना है और उसके सामने ये इस जगह में फायरवर्क हुआ था। ये कल भी है और परसों भी है, तो अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप फायरवर्क एंजॉय कर सकते हैं। फायरवर्क ख़त्म हो गया और अभी वाम सारी जा रही है वापस अपने अपने घरों में और हम भी जा रहे हैं। ये था यास बे वाटर फ्रंट। फेसबुक का पासवर्ड नहीं मालूम? हर जगह में अलग अलग, बस ये है कि थोड़ा सा वो ख्याल रखते हैं अपना। इधर आ जाएगा आगे आके ना, इसने तो बस इसीलिए बनाई थी, लेकिन फेस नहीं है ना हमारा उसमें।